वो जली महिला जो वहां पे खोदने के लिए आते उनके सामने आ जाती है। तो हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए स्टोरी के साथ और आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये स्टोरी मुझे एक मेरे ही रिलेटिव लगते हैं, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई है। उनका नाम है विकास करके, उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई है। तो अब इस स्टोरी से बात करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण लास्ट में जाके ये स्टोरी के ज्वाइंट होगा। उदाहरण ये है कि ज़्यादा पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए आदमी को। अब आप लोगों ने ये उदाहरण देखा तो ये उदाहरण से रिलेटेड एक स्टोरी है। करीबन वो विकास भाई ने मुझे बताया था कि करीबन मतलब 100 या 150 साल पहले की बात है। तो आप लोग को पता होगा कि जब पहले का टाइम था तो पहले के टाइम में सोना ये सारी चीज़ें हंडे के अंदर डाल के उसको गाड़ा जाता था, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे ही एक महिला थी, उनके पास बहुत सारे पैसे थे और वो जो पैसे थे वो पैसे के साथ साथ सोना भी था। तो वो महिला क्या करती थी, उनका खुद का एक कमरा था, तो अपने कमरे में वो महिला उस सोने के हंडे को, मटके को, उसका जो घर था उसके ज़मीन के नीचे वो गाड़ के रखती थी। तो ऐसे ही कर करके उसने बहुत सारे सोना जमा कर लिए थे। मतलब जैसे उसको अपने परिवार से प्यार नहीं था, उसको वो सोने से प्यार था, सोना पैसा ये सारी चीज़ों से प्यार था उसको। तो वो 24 घंटा मतलब वो घर के अंदर ही बंद रहती थी और कुछ ना कुछ वो घर के अंदर ही करती थी, बल्कि उसका पूरा परिवार बाहर की तरफ रहता था और वो घर के अंदर रहती थी, कुछ ना कुछ सोना गाड़ती थी, ये करती थी, वो करती थी, और वहीं खाना बनाती थी, वो खुद ही खाती थी। मतलब उसको दूसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कोई उसको खाने में कुछ डाल के दे देगा, उसको मार देगा, तो इसके लिए वो खुद ही खाना बनाती थी और खुद ही रहती थी उसी घर में। मतलब बहुत कम टाइम के लिए अगर वो बाहर भी आई तो सिर्फ अपने घर के बाहर आती थी और हमेशा वही सोना ये सारी चीज़ें वो करती रहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही वो एक दिन खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि उसने जो अपना घर था उसका, उसके घर को उसने पूरा लोहा होता है ना, लोहा मतलब, तो उससे ना उसने वो पूरे घर को ऐसा पैक कर दिया था, चारों बाजू से पैक कर दिया था। तो अंदर की आवाज़ ना बाहर जाती थी ना बाहर की आवाज़ अंदर आती थी। और इसके अलावा उसने सोने से इसके लिए पैक किया ताकि कोई भी उस घर के अंदर ना घुस सके। कड़ी बहुत मोटी मोटी लगाई थी, ताला मोटा मोटा उस घर में लगता था, तो वो सिर्फ इसके लिए ताकि वो सोना जो है बचा रहे। मतलब एक हिसाब से वो सोने की रक्षा करती थी, जो सोना वो बचा के रखी थी, जिसको उसको मोम आया था उस सोने से। तो एक बार वो खाना बनाने के लिए घर के अंदर थी, तो घर के अंदर जब खाना बनाते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा गैस सिलेंडर फट जाते हैं। तो उसके फटने का कारण ये होता है कि हम लोग गलती से ऐसा उसको ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद हमें खुद को नहीं पता रहता कि ऑन है कि नहीं। तो ऐसी ही गलती शायद उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था, जो गैस सिलेंडर है वो गैस सिलेंडर उन्होंने ऑन कर दिया था और उनके दिमाग से चला गया। तो थोड़े टाइम बाद जब वो गैस सिलेंडर ऐसा जलाने के लिए जाती है और वो ऐसा धीरे से जलाती है, जैसे वो जलाती है वैसे एक ब्लास्ट होता है तो वो पूरी जल जाती है। तो ब्लास्ट में क्या होता है, जो बाहर वाले लोग रहते हैं उनको सुनाई देता है कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकते। मतलब समझ रहे, क्योंकि उसने पूरा अंदर से कड़ी लगाई रहती है, सेफ मतलब पूरा एकदम सेफ्टी, पूरा लोहे का वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, वो चीज़ें नहीं हो पाती, अंदर घुसने की कोशिश करते नहीं हो पाती। और वो उतने पीरियड में जब इन लोग ये कोशिश करते रहते हैं, वो अंदर ही अंदर वो रूम के अंदर जलती रहती है। मतलब वो जल रही है, मतलब कोई बचा नहीं सकता उसको, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरीके से उसकी वो जो महिला थी उसकी मौत हो गई। तो अब आप लोग समझ सकते हो, जो महिला इतना सारा सोना कुछ ना कुछ सोच के, उसने अपने माइंड में सोच के उसको वहाँ पे गाड़ा होगा और उसको वहाँ पे रखा होगा, और वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो नहीं चाहती थी मरना लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे मैं पहले आप लोगों को कहा था कि
जैसे ये सोना होना और ये सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं क्या इंसान लेता है कि मेरे को चाहिए, हाव हाव करता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रूम वो सारी चीज़ें वैसी ही थी। फिर कुछ समय बाद, मतलब करीबन 5 से 5-6 साल बाद, कुछ लोगों ने कोशिश किया कि वो रूम को तोड़ते हैं और जो नीचे जो रहता है, नीचे जो खाना हुआ रहता है, उसके अंदर से सोना निकालते हैं। तो 4-5 लोग आते हैं और खोदना शुरू करते हैं वो सोना पाने के लिए, खोदना शुरू करते हैं। कुछ कुछ समय तक वो लोग खोदते खोदते, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो महिला होती है जो जल गई होती है, वो जली महिला जो वहाँ पे खोदने के लिए आते उनके सामने आ जाती है। देखो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो जली महिला उन लोग के सामने आ जाती है और वो लोग वहीं से भाग जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा इसके लिए हो रहा था क्योंकि उसकी आत्मा जो थी, वो जो घर था उसी घर में उसकी आत्मा भटक रही थी, क्योंकि वो पहले से भी नहीं चाहती थी कि उसका सोना कहीं पे जाए। तो क्या हुआ, एक मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि ये जो सोना है, पहले के ज़माने में ऐसा होता है, ये सोना हमको उसको देना है, हमारे बच्चे के बच्चे को देना है, या मैं ये पैसा जमा कर रही हूँ तो ये उसके पास जाना चाहिए, ऐसा रहता है ना मन में। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उस सोने को पाने की, उस सोने को लेने की, लेकिन वो सोने को वो पा नहीं सके, वो ले नहीं सके। वो बार बार वो महिला उसको दिख जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। फिर एक बार वो जो महिला थी, महिला उसके लड़के का लड़का उसको लोगों ने बोला कि तुम कोशिश करो और तुम ये पैसा निकालो, शायद तुम्हें वो नहीं दिखेगी, तुम ये पैसा निकालो। तो उसके लड़के के भी अंदर वो आ जाता है, एक होता है ना कि नहीं, इतने सारे पैसे का मैं मालिक बन जाऊंगा, इतना सारा सोना गड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें गड़ी हुई है, तो वो जाता है अंदर। जब वो खनता है, जब वो खोदता है, जब वो सोना निकालता है, तो उसको उसकी मान, मतलब जो है वो नहीं दिखती है, ना जली हुई दिखती है, नहीं बिल्कुल नहीं दिखती है, समझ रहे हो, मतलब लोभ, पैसे का लोभ, समझ रहे हो, नहीं दिखती है उसको, लेकिन उसको सोना प्राप्त हो जाता है। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो सोना हम लोग ने पा लिया है, तो क्यों ना इसको, इसके जो लड़का है उसको मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लड़के को ये लोग ख़त्म कर देते हैं। अब उसको ख़त्म कर देते हैं, वो लड़के को भी सोना नहीं मिला जो सोना पाने के चक्कर में गया था कि मुझे बहुत सारा सोना मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लालच, लालच बुरी बला होती है, पता है, तो ये होता है। तो वो पाने के चक्कर में लोगों ने इसको भी मार दिया कि अब तो हमें सोना मिल गया। लेकिन जब लोगों ने इसको मार दिया, तो फिर जब वो सोने को छूने गए, तो वो जो जली महिला थी वो उनको दिखने लग गई। तो वो विकास भाई बोलते हैं कि आज तक वो सोना वहीं पर गड़ा हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस सोने को जाके वो छू ले या हाथ लगा ले। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि सोना किसी को नहीं मिला और वो लालच के चक्कर में, वो ये सारी चक्कर में 2-3 बहुत सारी मौतें भी हो गई। तो एक हिसाब से ये भी कहा जाता है कि लालच नहीं रखना चाहिए आदमी को, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो ऐसा कुछ कहानी हमें विकास भाई ने बताई है। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई कहानी होगी तो आप लोग बेशक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं ऐसे ही आप लोग को सुनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो में मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार और नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल।